एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डुपर। टुडे आई एम गोना मेक चिकन कोरमा रेसिपी। है वी गो। 1 किलो चिकन, 2 कप दही, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 कप ऑयल, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 8 अदद बादाम छिलके उतार लें, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लें, 10 अदद छोटी इलायची, साबुत काली मिर्च 10, 2 तेज़पत्ता, लौंग 8 अदद, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 2 प्याज बारीक कटे हुए। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में ऑयल ऐड कर दें। ऑयल को आप थोड़ा सा गर्म कर लें। बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दें। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, तो आपने चमचा चलाते रहना है। प्याज ब्राउन फ्राई हो चुका है, अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट बना लें। जिस ऑयल में हमने ऑनियन को फ्राई किया था, इसी में हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को ऑयल में अच्छे से भून लेंगे, तब तक जब तक चिकन का रंग सफ़ेद ना हो जाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और इसको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे, छोटी इलायची और काली मिर्च साबुत, 2 तेज़पत्ता, लौंग। सारे मसाले ऐड करने के बाद आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मसालों को मिक्स करने के बाद आप इसमें दही ऐड कर दें और दही ऐड करने से पहले इसको फेंट लें दही को बहुत अच्छे से। अब हम इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने गोल्डन ब्राउन फ्राई किए थे प्याज, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने ब्लेंडर कर लिया था। तो अब हम बहुत अच्छे से चिकन को मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। और चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, तो हमारा चिकन कोरमा रेडी है। तो हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी चिकन कोरमा तैयार है, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें।